नमस्कार, सत श्री अकाल। हजूर साहिब टुडे समाचारों में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। गुरुद्वारा बोर्ड कानून की धारा 11 के संशोधन विषय में बैठक 26 को। श्री हजूर साहिब स्थित तखत सचखंड श्री हजूर अब्दुलनगर साहिब बोर्ड कानून 1956 की धारा 11 में हुए संशोधन को रद्द करने हेतु यहां चलाए जा रहे जन आंदोलन अंतर्गत अब तखत सचखंड श्री हजूर अब्दुलनगर साहिब के पंच प्यारे साहिबान द्वारा नियुक्त 7 सदस्य समिति की एक बैठक आने वाली 26 अप्रैल 2019 को आयोजित की गई है। गुरुद्वारा बोर्ड के 9 निर्वाचित सदस्य रविंद्र सिंह बुगाई, गुरमीत सिंह महाजन और मनप्रीत सिंह गुंजीवाले ने संयुक्त रूप से बैठक आयोजन संदर्भ में निमंत्रक की भूमिका निभाई है। तखत सचखंड साहब के पंच प्यारे साहिबान द्वारा तारीख 25 मार्च 2019 को 7 सदस्य समिति का गठन कर गुरुद्वारा बोर्ड कानून की धारा 11 के संशोधन रद्द करने की दिशा में पहल की गई थी। समिति में बोर्ड के पूर्व शासन नियुक्त प्रधान विधायक तारा सिंह, भूपिंदर सिंह मीनास, परमजोत सिंह चाहल, अमरिक सिंह वासरीकर, रविंदर सिंह बुगई, गुरमीत सिंह महाजन और मनप्रीत सिंह कुंजीवाले का समावेश है। यह बैठक 26 अप्रैल की सुबह 11 बजे SGPC भवन में होगी, जिसमें गुरुद्वारा बोर्ड के अधीक्षक गुरविंदर सिंह वाधवा भी उपस्थित होंगे। इस बैठक लेकर हजूर साहिब की समस्त साथ संगत की निगाहें टिकी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि बैठक में सकारात्मक निर्णय होगा। एक और धारा 11 की पहली बैठक को लेकर लोगों में उत्सुकता छाई हुई है, वही दूसरी ओर बैठक में भूपिंदर सिंह मीनास और परमजोत सिंह चाहल की भूमिका को लेकर संदेह भी व्यक्त किया जा रहा है, क्योंकि कलम 11 पर सम्माननीय पंच प्यारे साहिबान के गुरुमत्ते की उल्लंघना कर भूपिंदर सिंह मीनास ने कलम 11 कानून को हथियार बनाकर महाराष्ट्र सरकार से स्वयं प्रधान पद पाया है। अब देखना है कि भूपिंदर सिंह मीनास पंच प्यारे साहिबान के गुरुमत्ते का आदर करते हैं या फिर गुरुमत्ते की उल्लंघना कर प्रधान पद पर काबिज रहते हैं। इस बात का खुलासा आने वाली 26 अप्रैल की बैठक के बाद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पंच प्यारे साहिबान की उपस्थिति में एक गुरुद्वारे से अरदास होके एक भव्य मोर्चा कलेक्टर जिला अधिकारी साहब को संत बाबा बलविंदर सिंह जी, संत बाबा प्रेम सिंह जी और नांदेड़ के हजूर साहब की सभी संगत के नेतृत्व में ये मोर्चा निकला था। मोर्चा निकलने के बाद तो इसमें तब भी कुछ भी नहीं हुआ तो पंच प्यारे साहिबान ने 15 मार्च को एक बैठक लेके 3 मेंबर साहिबान इलेक्टेड मेंबर गुरमीत सिंह महाजन, मनप्रीत सिंह कुंजियाले, दास रविंदर सिंह, ये 3 मेंबर और इसमें अमरिक सिंह जी वासरीकर, परमजोत सिंह जी चाहल और भूपेंद्र सिंह जी मीनास और पूर्व अध्यक्ष तारा सिंह जी, तो ये 7 लोगों की कमेटी बनाई। एक कमेटी में अब कन्वीनर कोई भी नहीं बनाया था तो बैठक कौन बुलाएंगा, कौन बुलाएंगा बोल के ये बार बार विषय सामने आ रहा था। तो दास रविंदर सिंह मुंगई कल सभी को पत्र भेज के मीटिंग का आयोजन SGPC गेस्ट हाउस में आने वाले 26 तारीख को रखा गया है और कलम 11 रद्द होने के लिए हम इस पर चर्चा करके मुख्यमंत्री साहब को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को विनंती करेंगे कि कलम 11 जल्द से जल्द रद्द हो। मुख्यमंत्री साहब ने ट्वीट किया था कि कलम 11 रद्द करेंगे, बल्कि अभी तक कलम 11 रद्द नहीं हुई। हरसिमरत कौर बादल ने उस पर ट्वीट किया था, उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ उस पर। हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट को विनंती करते कि कलम 11 ये रद्द होना चाहिए, क्योंकि गांव का सरपंच भी पब्लिक में से चुना जाता या तो चुने वाले व्यक्ति उसको सरपंच बनाता, तो ये हमारे पे सरासर लोकशाही की हत्या है। इस वजह से हम कलम 11 की 26 तारीख को मीटिंग लगाई गई है 11 बजे और उस पर सभी मेंबर साहिबान, जो 7 मेंबर साहिबान जो बने वाले हैं, तो उस पर निर्णय लेके शासन को जो हमारा तय होगा उसमें हम वो शासन को भेजेंगे। और तीनों बम्बई के जो मेंबर हैं उनको मेल द्वारा भी भेजे, हमने मेल भी किए और हमने उनको कोरियर से भी भेजा गया है, और फ़ोन राही भी उनको हमने इत्तला किए। ये मीटिंग अनौपचारिक है या गुरुद्वारा बोर्ड में रिकॉर्ड होगा? नहीं, उसके लिए गुरुद्वारा बोर्ड से सुप्रिटेंडेंट उपस्थित रहेंगे, उनको भी पत्र दिए हमने, और गुरुद्वारे का कर्मचारी लिखने के लिए, प्रोसीडिंग पूरी बनाने के लिए हमने वो भी विनंती की गई है। और गुरुद्वारे की तरफ से जो मीटिंग हॉल है वो भी हमारे को उपस्थित करवाने के लिए, उपलब्ध करवाने के लिए बोला गया है, उनको भी पत्र दिए।